मतलब इस बार के चुनाव में कुछ बदलाव आवश्यकता है। वही सरकार चाहिए जो स्टूडेंट के बारे में सोचे, स्टूडेंट के हित में सोचे। चाचा पे क्यों नहीं भरोसा हो रहा? चाचा पे इसलिए कि आप बूढ़े हो गए हैं। देखिए ऐसे सरकार तो यहाँ पे है नहीं कि जो बच्चों को रोजगार दे सके। कोई एग्जाम बढ़िया से नहीं हो रहा है, हम लोग का बेटा पैदा हो वही एग्जाम देगा अब वो BSSC मेंस का। फर्स्ट में है चिराग पासवान, सेकेंड में नीतीश कुमार। जहाँ तक अब दारू बंदी की बात करें, हर चौक चौराहे पर दारू मिल रहा है। किस पर विश्वास किया जाए, सब तो उसी तरह है। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर, जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर, यह जानने के लिए आज चुनाव चौपाल की शुरुआत हम कर रहे हैं मोतिहारी के MS कॉलेज के ग्राउंड से, जहां पे ज़िले भर के तमाम छात्र यहां पे आते हैं और अपनी तैयारियों को अंजाम देते हैं। तो हमारे इस तरफ जो है ये चंपारण के युवा जुड़ चुके हैं, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में इस बार क्या होने वाला है और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, युवा हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस बार। तो सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। चंदन जी, बिहार में इस बार क्या कुछ होने वाला, युवा क्या सोच रहे हैं? युवा यही सोच रहे हैं कि समय से एग्जाम नहीं हो पा रहा है और बहुत बहाली भी नहीं आ रहा है और बहुत युवा इसी तरह बेरोजगार बैठे हुआ है। तो छात्रों की जो है बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, आपको क्या लगता है क्या कैसे रोजगार मिलेगा, किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? देखिए ऐसे सरकार तो यहाँ पे है नहीं कि जो बच्चों को रोजगार दे सके। सब जो अपने से कहते हैं कि कहने के लिए तो सब कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर पाता है। अभी जितने बच्चे जो है सब बेरोजगारी में बैठे हुए हैं, बहाली आती है 14 का बहाली, अभी तक जो है 18 हो गया, 20 हो गया, अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ। चुनाव का डेट निकल गया लेकिन जो एग्ज़ाम का डेट को लेट में निकाल दिया गया। चुनाव का डेट निकल गया लेकिन एग्ज़ाम का डेट नहीं निकला, ये बड़ी बात जो है यहाँ के युवा कह रहे हैं। क्या लगता है क्यों नहीं एग्ज़ाम समय पे होता है, आपको क्या लगता है? देखिए एक बड़ी समस्या यहाँ है कि समय से, एक तो 4 से 5 साल एक पेपर को होते हैं, मतलब फाइनल कराने में लगती है सरकार को। उसमें भी क्या होता है कि यहाँ जब समय आती है तो क्वेश्चन 2-3 दिन पहले ही आउट हो जाती है। और ये जो सारे स्टूडेंट जितने भी हैं यहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं, वो मतलब मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी जो सोच है सरकार की जॉब करने की, नौकरी करने की, ये मतलब अधूरी रह जाती है। क्योंकि जो पैसे वाले होते हैं वो 2-4-5 लाख रुपए देते हैं और मंत्रीगण से पैरवी कराकर नौकरी ले लेते हैं। जी आप ये बताइए, तो इस बार के चुनाव में आप किस तरह की सरकार बनाना चाहेंगे, कैसे लोगों को चुनना चाहेंगे? देखिए वो तो अच्छी बात की बात है, अभी चुनाव अभी समय है, देखिए जिस तरह हवा आएगी, जिस तरह बात होगी, हम सोचेंगे और फिर बोलेंगे, वोट देंगे वहाँ जिसको मन करेगा वहाँ। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां पहले जो है ये में देने का आश्वासन दिया है, एक तरह से बहुत सारे लोग उसको चुनावी स्टंट बता रहे हैं, लेकिन आप लोग इसके प्रति कितने कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं? नहीं तेजस्वी जी के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो बाद में स्टूडेंट है वो जो अपने विचार से जिनको जो अच्छा लगेगा वो वोट देंगे, वो तो उनकी विचार है। 10 लाख तेजस्वी जी के इस आश्वासन में थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम लोगों को ख्याल रखना है, क्योंकि आप सभी युवा हैं। क्या लगता है बिहार में इस बार जो है छात्रों की नज़र में किस तरह की सरकार बनेगी? देखिए सर, हमारे अनुसार सबसे पहले हम ये कहेंगे कि चाहे भी जो भी सरकार में आए, वो युवा हो या चाहे नीतीश सर हो हमारे, हम लोग के अनुसार जो युवा आएगा तो हमारे थॉट को समझेगा, तो हम चाहेंगे कि हमारे सरकार में युवा ही आए। और दूसरा बात हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए सबसे पहले टाइम पर बहाली आया करे, हर साल बहाली आए, आपको जितना हार्ड पूछना है पूछिए, मतलब जिस तरह करना है वो कीजिए, लेकिन हर साल बहाली दीजिए और उसका मतलब रिजल्ट समय पर दीजिए, ताकि लड़का अपना मतलब लड़का अपने कॉन्फिडेंस से निकाले, या नहीं निकले तो दूसरा बार ट्राई करो। आप एक बार दीजिएगा और फिर 4 साल के बाद जॉब दीजिएगा, तब तक तो गरीब परिवार उतना ठहर नहीं सकता है। अभी किस एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है समय पे नहीं आया है, आप लोग को क्या समस्या आ रही है? 2014 का बहाली BSSC इंटर स्तरीय लेवल का मेंस है, 2014 में हम लोग जॉब अप्लाई किए, 15 नीतीश कुमार चाचा जी को एक बार चुने, 5 साल बीतने के बाद PT हुआ, उसका रिजल्ट आया, अब मेंस का डेट है, फिर से चाचा जी को चुनने जा रहे हैं।
मगर चुनने के बाद भी क्लियर हो जाए, भगवान मालिक हैं, 2025 तक फाइनल हो गया, या लग रहा है कि हम लोग को बेटा पैदा हो वहीं एग्जाम देगा अब बीएससी मेंस का। यही बात है, ये टाइम से नहीं एग्जाम करा रहे हैं और कोई एग्जाम बढ़िया से नहीं हो रहा है। सब किसी का सबसे ज़्यादा ये भी है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज देख कर बहाली करा रहे हैं, ये देख रहे हैं हमारा चुनाव किधर वोट मिल रहा है उधर का ही भर्ती कर रहे हैं, ईमानदारी से भर्ती नहीं कर रहे हैं ये उत्तर बिहार के जो लोग हैं। चचा जी ने तो ये किया, भतीजा जी ने जो है 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया, तो उसको आप लोग किस नजरिए से देखते हैं? भतीजा जी को हम लोग नहीं चाहते हैं, या तो चिराग पासवान जी को पसंद है या तो नीतीश कुमार, यही दोनों में से, फर्स्ट में है चिराग पासवान, सेकेंड में नीतीश कुमार। फर्स्ट में चिराग पासवान और सेकेंड में नीतीश कुमार। और भी कुछ युवा है उनसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुरेंद्र कुमार हुआ। मधुरेंद्र जी, क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? मतलब इस बार के चुनाव में कुछ बदलाव आवश्यकता है, क्योंकि यह 15 साल से नीतीश जी रह रहे हैं, अपने मनमानी कर रहे हैं, इसलिए अति आवश्यकता है बिहार की जनता को समझदारी पूर्वक इनको मतलब हटा करके फिर दूसरी पार्टी को मौका मतलब दिया जाए और फिर उनको देखा जाए, यही करना जरूरी है। मैंने इस बार ये बदलाव चाह रहे हैं तो मिली जुली प्रतिक्रियाएँ हैं, लेकिन स्टूडेंट की असल समस्या क्या है वो भी यहाँ पे खुलकर सामने आ रहा है। ले दे करके ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट भी अभी क्लियर स्टैंड में नहीं है। क्या नाम है आपका? रामतोष कुमार। ये बताइए कि जो है स्टूडेंट को क्या चाहिए, किस तरह की सरकार चाहती है, चाहता है स्टूडेंट? स्टूडेंट को वही सरकार चाहिए जो स्टूडेंट के बारे में सोचे, स्टूडेंट के हित में सोचे। यहाँ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो बहुत दिन से लगे हुए हैं, बहुत दिन से कम्पिटिशन के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसा होता है जैसे मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम फिक्स रहता है, वैसा भी रेलवे का एग्ज़ाम का भी फिक्स हो, टाइम से बहाली है, टाइम से एग्ज़ाम हो, टाइम से उसका। तो ये सब कौन सी सरकार कर सकती है, क्या लगता है? जी हमारे समझ से चाहे और खेती के समय से भी युवा है तो अच्छा रहेगा। जैसे मैं भैया बोले कि चिराग पासवान अच्छे हैं, तो मेरे भी समय से चिराग अच्छे हैं, इसलिए नवयुवक हैं, और जो नवयुवक आएंगे तो नवयुवक के बारे में जरूर सोचेंगे, उसको कुछ शर्म है कुछ जरूर लगेगा। तेजस्वी भी नवयुवक? जी जी नवयुवक वो भी हैं, लेकिन उनका कुछ परिवारवाद से कुछ पहले से ही उनका यही चल रहा है। अच्छा, ये और चाचा पे क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? चाचा पे इसलिए कि वो बूढ़े हो गए हैं, वो नवयुवक के बारे में नहीं सोच सकते हैं। नवयुवक के प्रॉब्लम क्या है, गरीब फैमिली से जो बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है इतना दिन से, 10 साल 15 दिन से, बोलिए 15 साल 20 साल से जो तैयारी कर रहा है, क्या हो रही है, कोई वैकेंसी आ रही है, उसका क्वेश्चन पहले 5 दिन लिखो जाए। जो स्टूडेंट इतना दिन से मेहनत कर रहा है, 10 साल 15 साल, उसका नहीं हो पा रहा है, जिसके पास पैसा है वो पैसा देगा करा दे रहा है, यही सब प्रॉब्लम है। तो ये सब समस्याएं हैं, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग भी बना करके रखें, है ना, चूँकि कोविड का दौर चल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उजाला कुमार हुआ। इसी मुंशी सिंह महाविद्यालय से 2018 में छात्र संघ का चुनाव जीते थे। अभी तत्काल में जो बिहार सरकार की गतिविधियाँ हैं, जिस बिहार में जो चनक और आर्यभट्ट जैसे विद्वान पैदा लिए थे, अब बिहार का जो खोखला हालत हो गया है, जो इस बिहार को प्रवासी मजदूर बोला जा रहा है, और जब बाहर जब दिल्ली मुंबई पंजाब हरियाणा और बाहर कहीं भी जा रहे हैं तो गरीब के भावना से बिहारियों को देखा जाता है। जो बिहारी आज से खोखला नहीं, 90 दशक लालू के राज में। ये कौन सी पार्टी की सरकार इसको बदल सकती है? देखिए पार्टी का बात हो, वो लालू हो, नीतीश हो या बीजेपी हो, कोई भी आता है प्रलोभन देता है, अपना मिठाइयाँ बांटता है लोगों को, उसके बाद क्या होता है कि कोई जो भाजपा यहाँ पे नरेंद्र मोदी आए हुए थे तो बोले थे कि यहाँ के चीनी मिल के चाय पिए, मैंने यहाँ के चीनी के चाय पियेंगे हम, जब उसके बाद दोबारा आए थे कोई इस पर चर्चा नहीं चला। उसके बाद नीतीश कुमार आए और 5 साल काम किए, उसके बाद शिक्षा रोड ना, उनका शिक्षा अच्छा है और ना ही रोड हुआ। शिक्षा व्यवस्था में क्या कमी नजर आती है? शिक्षा व्यवस्था के जहाँ तक हर चीज में जैसे देखिए मैट्रिक बोर्ड घोटाला, अभी तक देखिए पिछले बार 13, 14, 15 की हालत देखिए क्या था, जो छत पर चढ़ के जब क्वेश्चन आउट हो जाता था 2 दिन पहले, अभी भी आउट होता है, हर साल होता है कि क्वेश्चन आउट हो गया, ये किसका गलती है? जहाँ तक अब दारू बंदी की बात करें, हर चौक चौराहे पर दारू मिल रहा है, सब नीतीश कुमार की गलती है। और भी और होम डिलीवरी से लेकर किराना दुकान में, होटल में, हर जगह दारू मिल रहा है, लेकिन उनका कोई भी काम सक्सेस नहीं हुआ है। और जहाँ तक लालू इस बार आपके नज़र में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, तो ये सब चीज़ें देखिए, कोई भी पार्टी आए बोल रहा है कि नवयुवक आएगा 15 साल 20 साल बिहार को चूसेगा, फिर खोखला छोड़ कर चला जाएगा, ठीक है? अब किसी पर भरोसा करने का लायक ही नहीं है। बस अपना ग्रामीण विधायक को देखिए,
उसको वोट दीजिए जो अच्छा हो। अब ऐसा नहीं कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र का विधायक अच्छा होना चाहिए। सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार हम किसकी नहीं कहेंगे, जिसकी लाठी जिसकी भैंस। बिहार का जाति जातिवाद का नीति हो गया है, जिसकी जाति होगा उसका सरकार बनेगा। तो प्रतिक्रिया जो है उसमें भी घालमेल है, स्पष्ट रूप से सामने नहीं नजर आ रहा है कि जो है किस तरह की सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम है ऋषभ गोस्वामी। ऋषभ जी आप क्या करते हैं? हम तो पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? हमारा बीए ग्रेजुएशन फाइनल है। देखिए हम माने जैसे होता है छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा नीतीश कुमार के द्वारा छात्रों को ही कुचला गया है। कोई भी आप एग्जाम देख लीजिए, बिहार का कोई भी एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन आउट हो जाता है। कैसे हो जाता है क्या, इसकी भी जानकारी हम लोग चाहते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका रिजल्ट आता है 2 साल 4 साल बाद, फिर उसका पेंडिंग हो जाता है या एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। इस सब की माने विद्यार्थियों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। नीतीश कुमार ने हमेशा से छात्र को नौजवान को कुचलने का ही काम किया है। कौन सी सरकार जो है बढ़िया बिहार में, किस तरह की सरकार इस बार आनी चाहिए? बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का जब हो रिजल्ट आए तो आपकी नज़र में किस पार्टी की सरकार आप देखना चाहेंगे? देखिए हम किसी पार्टी के बारे में तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम वही चाहेंगे कोई भी है साफ सुथरा सरकार है जो नौजवान के बारे में सोचे, विद्यार्थियों के बारे में सोचे, नौजवान के बारे में सोचे और विद्यार्थियों के बारे में सोचे। हम आपको ये बता दें कि मोतिहारी शहर का जो ये MS कॉलेज का ये जो कैंपस है, यहाँ पे बहुत सारे युवा यहाँ पे तैयारियाँ करते हैं। हम कुछ लोगों से बात भी यहाँ कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत सारे युवा हैं जो अपने तैयारियों में लगे हुए हैं, और ये ज़मीन पर बैठ करके एक भारत की एक दूसरी तस्वीर आप इस के ज़रिए देख सकते हैं कि ये हमारे देश के युवा हैं और ये किन परिस्थितियों में जद्दोजहद करके ये जो है अपना स्टडी करते हैं, आप समझ सकते हैं। और ये जो है जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और ऐसे में जब एग्ज़ाम हो और लंबे समय बाद यानी कि 3-4 साल बाद भी रिज़ल्ट अगर नहीं आए तो आप इनकी मनोदशा से को बखूबी समझ सकते हैं। हम इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यहीं रेलवे का स्पेशलिस्ट। रेलवे का जी। इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है? एग्ज़ाम तो डेट निकला हुआ है दिसंबर 15 दिसंबर से NTPC का। हाँ तो अब आगे देखिए डेट रह रहा है कि आगे बढ़ रहा है। हाँ चुनाव का माहौल है, अब जो है आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो चुनाव में किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? देखिए किस पर विश्वास किया जाए, सब तो उसी तरह है ना। दरोगा वाला देखिए डेट निकला हुआ था, उसको भी कैंसिल कर दिया गया। बिहार SSC का उसको भी कैंसिल कर दिया गया। सरकारी अपनी माने डेट जो है इलेक्शन का ये अपना क्लियर कर ली, इलेक्शन अपने टाइम पर कराएगी, लेकिन युवाओं का जो एग्ज़ाम का डेट है उसको कैंसिल पे कैंसिल कर रही है। बिहार सरकार का जो बिहार SSC है इसको 2014 का वैकेंसी है, इसको अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इसका कोई गारंटी नहीं है मेंस होगा कि फिर उसी तरह स्थगित कर देगा, कोई गारंटी नहीं है। सरकार तो चुनाव जो है नेता लोग अपने ये के लिए जैसा इनका कहना है कि चुनाव तो करा रहे हैं, चुनाव का डेट आ गया, लेकिन एग्ज़ाम का डेट कब आएगा ये बड़ा सवाल है इनके तरफ से। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राधेश्याम हुआ। कितने एग्ज़ाम दिए हैं अब तक आप? एग्ज़ाम 4-5 तो दिए हैं अभी। अच्छा, अभी रिजल्ट आया? हाँ, बिहार SSC का पेपर दिए थे जिसमें रिजल्ट आए, मेंस का डेट निकला लेकिन फिर डेट स्थगित हो गया। फिर देखिए अब कब पेपर होगा कि नहीं होगा, आप समय बताएंगे। आप समझ सकते हैं कि ये माथे पे पसीना ज़मीन पर बैठ करके बिहार के युवा, चंपारण के युवा तैयारियाँ करते हैं और जो है ये जद्दोजहद में रहते हैं कि इनको नौकरी मिल जाए। नौकरी में जब जाते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा कंपटीशन वहाँ पे होता है, जिसके बाद रिज़ल्ट के लिए इन्हें कई सालों तक, कई महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो आप ये हमको बताएं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में किस तरह की सरकार आप चाहते हैं और सरकार जो बनेगी उसको क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए? सरकार चाहे जिसका भी बने, नीतीश का या लालू जी का, जिनका भी बने, सबसे पहले जो भी वैकेंसी हो उस समय से पेपर हो जाना चाहिए। उसके बाद चीटिंग कम हो जाना चाहिए।
जो लड़का मेहनत से पढ़ रहा है उसका जब नहीं हो रहा है, इसमें इतना घुसपैठी हो रहा है, जिसके पास पैसा है उसका जल्दी जॉब लग जा रहा है, और जो आम स्टूडेंट है जो गरीब वर्ग से आते हैं उनका जल्दी जॉब नहीं लगता है। अब एसआई में इसके पहले 18 में भी पेपर हुआ था, उसमें भी बहुत धांधली हुआ और उसमें भी बहुत चिटिंग हुआ। अब देखिए अब की बार कैसा हुआ, BRSSC का हुआ चाहे BRSSI का हुआ पेपर। हम लगातार यहाँ मोतिहारी के MS कॉलेज के क्रीड़ा ग्राउंड से आपको स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तैयारियों में जुटे हुए हैं, और ये इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है छात्रों के मन में इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है, और चंपारण के छात्र क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी समस्याएँ हैं। एक और शख्स से इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्या नाम है आपका? राजन सिंह नाम है मेरा। आप भी रेलवे की तैयारी? जी, रेलवे और बिहार के भी जो परीक्षाएं होती है उसमें भी हम परीक्षा देते हैं। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और वो 15 साल से जो नीतीश कुमार हैं बेरोजगारी दूर करने में काफ़ी विफल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग नीतीश कुमार को किसी भी हर हालत में मने युवा जितना भी वर्ग हटाना चाहते हैं नीतीश कुमार के मान का नहीं है बिहार के मने रोजगार देना, इसलिए हम लोग युवा सरकार के साथ RJD के साथ जाना चाहेंगे, जो हमारे तेजस्वी यादव हैं उनके साथ जाना चाहेंगे। 10 लाख नौकरियां देने का उन्होंने वादा किया है, तो उसको आप लोग कितना सीरियसली लेते हैं? हम लोग सीरियसली लेते हैं कि 10 लाख बोले हैं तो कुछ ना कुछ मन कम से कम 4-5 लाख जरूर दे सकते हैं, क्योंकि वो पहली बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो उनके बाद में कुछ ना कुछ दम है, और जो देना चाहते हैं तभी अगर 10 लाख बोले हैं तो कुछ ना 5 लाख जरूर दे सकते हैं, क्योंकि रोजगार बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, और नीतीश कुमार 15 सालों से हैं रोजगार दूर करने में, बेरोजगारी दूर करने में काफ़ी विफल रहे हैं। नीतीश कुमार बेरोजगारी दूर करने में विफल रहे हैं, और ख़ास तौर से यहाँ के युवा को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो बार बार तेजस्वी की बात आ रही है और चिराग पासवान की बात आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार से खासे क्षुब्ध नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 15 सालों के शासन में उन्होंने जो कुछ किया है इनके लिए वो इससे नाराज़ हैं। तो हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अभी? तो बिहार SSC की सेट बना रहे हैं। SSC का सेट बना रहे हैं? जी, BRSSC का। तो ये जो है, आप ये बताइए कि आप लोग जो ये तैयारी करते हैं तो जॉब लगने का मन में कितना कॉन्फिडेंट रहता है कि हमको जॉब मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस आशा से ये जो है तैयारी आप करते हैं? पूरा मतलब विश्वास के साथ तैयारी करते हैं कि जी हमको जॉब लगेगा, पर अभी समय से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, भी नहीं समझ आ रहा है, तो इससे थोड़ा हम लोग को मायूसी मतलब देखने को मिलता है। मायूसी होती है जी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जो है, अब चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, चुनाव में लोग आएंगे, इस बार आप लोग किस तरह की सरकार देखना चाहते हैं बिहार में? जी, अभी तो हम फिलहाल अभी कभी वोट नहीं दिए हैं, लेकिन इस बार हम सोच समझ, इस बार आप वोट देंगे? पहली बार, पहले वोटर हैं। तो किस आपका प्रतिक्रिया जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप जब पहली बार जब वोट देने जाएंगे तो किस तरह की सरकार, क्या सोच करके जहन में जाएंगे, और जब बटन दबाएंगे तो क्या आपके दिमाग में चल रहा होगा? जी, हम तो यही कहेंगे कि ऐसा मतलब सरकार है कि युवा का और मतलब पूरे राज्य का सभी का विकास हो, ऐसा सरकार हो, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे सर। इससे ज़्यादा युवा का विकास हो, लेकिन विकास कैसे हो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका क्या नाम है? जी, कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, बहुत लगन से आप जो है यहाँ देख रहे हैं कि SSC का सेट बना रहे हैं जी। ये कैसे आप लोग करते हैं ये पढ़ाई जो है, ये यहाँ पे क्या चीज़ करते हैं आप लोग, कैसे तैयारी को अंजाम देते हैं? ग्रुप में आप लोग जहाँ तहाँ बैठे हैं ज़मीन पर और सब लोग कुछ लिख रहे हैं, क्या है ये? जी, हम लोग अपने भविष्य के लिए यहाँ पर आकर पढ़ाई कर रहे हैं, और मन में विश्वास है कि हम लोग का जॉब लग जाएगा तो हम लोग का भविष्य अच्छा हो जाएगा, इसी के लिए हम लोग बहुत दूर दूर से आकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? जी, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण से हैं आप? जी। तो यहाँ रह करके पढ़ाई करते हैं आप? जी। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो है यहाँ पर तैयारी अच्छी होती है, ग्रुप चलता है, तो इसलिए आप जो है यहाँ आए? जी, हम लोग का तो यही विश्वास है कि ग्रुप से हम लोग का बहुत नॉलेज डेवलप होता है, मन में विश्वास है कि एक दिन हम लोग
एक दिन जॉब लेकर चले जाएंगे और हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा। किस तरह आप वोटर इस बार, इससे पहले कभी वोट दिया है आपने? जी। इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या चीज़ दिमाग में होगा? सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही होगा कि जो भी नवयुवक दल आए या कोई भी आए, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। लेकिन बिहार SSC 2014 में आया था, 5 साल 6 साल हो गया, अब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। उसका पता नहीं कि अब कितने साल बाद एग्ज़ाम होगा कि क्या होगा। एग्ज़ाम हो जाते हैं लेकिन रिज़ल्ट के इंतज़ार में बहुत लंबा समय गुजरता है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो पेशेंस लूज़ भी उनका होता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट से जब हम बात कर रहे हैं तो यही बात सामने उभर करके आ रही है कि एग्ज़ाम जो होते हैं वो समय से नहीं होते हैं, इसलिए इन सब को बहुत परेशानी होती है, भविष्य एक तरह से अंधकार में रहता है। और जो युवा हैं वो बार बार इस चीज़ को कोट कर रहे हैं कि सरकार चुनाव तो करा ले रही है समय पर, कोविड का बहाना है, फिर भी तमाम प्रयासों से जद्दोजहद करके चुनाव तो करा ले रही है, लेकिन एग्ज़ाम सही समय पे नहीं हो रहे हैं और उसके रिज़ल्ट सही समय पे नहीं आ रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कुमार तिवारी हुआ। अच्छा उमेश जी, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो तैयारियाँ कर रहे हैं, तो ये हमेशा ऐसे ही लोगों का ग्रुप होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है आप लोगों को? यहाँ से इस फील्ड से और मोतिहारी से जो भी सरकारी प्लेस है वहाँ से लोग बच्चे, यहाँ से हजारों हजार बच्चे नौकरी लिए हैं, तो इसी इच्छा में सभी बच्चे जो है यहाँ पे, जब शाम में जब आप आइएगा तो लगेगा एक बाज़ार की तरह, जब बहुत मैंने हजारों हजारों बच्चे एक साथ बैठे हुए रहते हैं और सब तैयारी करते हैं रेलवे SSC, खासकर यहाँ तो रेलवे का गढ़ शुरू से माना जाता है SSC जो है, तो यही सब यहाँ का मेन। तो यहाँ से हजारों लड़के नौकरी हासिल किए हैं और करते हैं हर साल जो है यहाँ पर, जो है मतलब हजार रिजल्ट रहता है डिफिनेट, किसी भी कोई भी वैकेंसी गवर्नमेंट की आती है तो उसमें हर में रिजल्ट रहता है इस फील्ड से और मोतिहारी से। आप समझ सकते हैं चंपारण की ताकत को, और हम सुविधा विहीन। हाँ, हम लोग के ग्रुप से एक IAS भी हैं, आप 2016 का जो है बैच से जो है, अभी अजीत कुमार जो हैं, हम ही लोग हमारे ही ग्रुप से जो है IAS हैं अभी, जो है इसी तरह से पढ़ाई करते थे जी, हम लोग के बीच से 2010 से 2016 तक हम लोग साथ में रहे और 2016 में उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। और खास हम लोग तो PCS लेवल भी तैयारी होता है, तो जिसमें PCS का भी बहुत सारा रिजल्ट है। इस बार भी हमारे ग्रुप से 2-3 जो है PCS का इंटरव्यू के लिए भी जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग भी दिए हैं, हम भी छट गए हैं मेंस में, लेकिन हमको भी जो है 2 बार से हम भी मेंस दे रहे हैं, तो यहाँ PCS का भी तैयारी खासकर बच्चे करते हैं। यहाँ आपको मैंने बताया कि यहाँ 0 से लेकर के हीरो तक सबका तैयारी कराया जाता है, सब इसी तरह ग्रुप में। ये क्या करते हैं, सेट आप लोग बनाते हैं क्या? बिहार SSC का जो है देख रहे हैं कि 2014 का वैकेंसी जो है आज तक जो है क्लियर नहीं हो पाया। अब है कि पहले तो डेट अनाउंस किया था कि जो हम एग्ज़ाम ले लेंगे, लेकिन फिर टाइम का एक्सटेंशन कर दिया, जिससे हम लोग को बहुत सारी परेशानी हो रही है। आज देख रहे हैं कि एज का भी तो देख रहे हैं ना कि बढ़ते जा रहा, आप माइंडली प्रेशर भी फैमिली का, सोसाइटी का, ये सब बढ़ते जा रहा है। अलिया गवर्नमेंट का जो है प्रक्रिया जो है खाली उनका टाइम का एक्सटेंशन होते जाता है। समय में पिछले 5 वर्षों में स्टूडेंट को किन समस्याओं को फेस करना पड़ा है ज़्यादा, और उसका इस बार के चुनाव में युवा वर्ग के ऊपर क्या असर पड़ेगा और उससे कितना प्रभावित होगा इस बार का चुनाव? देखिए यहाँ सभी, कोई भी युवा और जो भी विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, सब कोई चाहता है कि अगर ये सरकार बनती है तो हमारे भविष्य के लिए जो है कुछ ना कुछ सोचेगी। क्या है कि जो है भारत में जो है लगभग 65% युवा है, तो 65% युवा का उम्मीद रहता है कि हमको भी रोज़गार मिले। अगर रोज़गार नहीं मिलती है कोई भी गवर्नमेंट से, या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर जॉब नहीं मिलता है तो हतोत्साहित हो जाते हैं। तो सबसे देखिए नीतीश कुमार जी हैं, चाहे केंद्र में जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ये जब इनका 16वीं लोकसभा का जब चुनाव था तो वो कहें, यहाँ गांधी मैदान में भी जो है बहुत सारा ग्रुप चलता है,
तो वह देखे और बच्चे सबके को देख करके कहें कि नहीं हम यहाँ पे, जब यहाँ पे सुरेश प्रभु आए थे, सुरेश प्रभु जब रेल मंत्री थे तो इस फील्ड का ग्राउंडेशन देखा और बच्चे को तैयारी को देख करके उन्होंने कहा कि जो हम ठीक, हम रेलवे के प्रति जो हम लोग, हम खुद हम सुरेश प्रभु से भेंट किए हैं और उस समय हम लोग का जो रेलवे का जो कुछ पैटर्न जो था गड़बड़ था उसके बारे में हम सुरेश प्रभु से खुद मिल करके उनसे बात किए। बहुत सारा बच्चे था सब और सब किसी का सहयोग रहा, लेकिन क्या कहिएगा, गवर्नमेंट देख रहे हैं कि जो है खाली कहता है लेकिन जो वैकेंसी, लेकिन इस बार आप लोग किस तरह की सरकार देखना चाहते हैं बिहार में? बिहार में हम एक ऐसे नवयुवक को पहचान, नए आदमी को लेना चाहते हैं जो युवा वर्ग से हो और मतलब लगे कि अगर रोजगार बहुत ही ज़रूरी है। तो रोजगार के सिलसिले में तेजस्वी यादव ने अनाउंस किया है कि वो 10 लाख जो है पहली कैबिनेट में वो नौकरियों को जो है सृजन करेंगे। सर हम किस तो पर बिलीव कर सकते हैं, मैंने जो है उनका जो है पूरा हिस्ट्री है तो उनके फादर से ही हिस्ट्री को हम लोग देख रहे हैं। हम लोग के फादर थे, हम लोग की मदर थी जो भी ग्रेजुएट थी, लेकिन उनके रीजन में जो है जॉब नहीं ले पाए हैं। बिहार में दो युवा चेहरे हैं, चिराग पासवान और तेजस्वी ब्रदर्स की आप बात कर सकते हैं जी, हाँ। तो और एक नीतीश कुमार हैं, ठीक है, और इत्तफाक से जो है तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी थोड़ा डिफरेंट है, जो कि LJP ने जो है JDU से आपको पता होगा खिलाफ लड़ने का संकेत दिया है जी, हाँ। तो ऐसे सिचुएशन में किस तरह के चेहरों को आप लोग कॉन्फिडेंस किस पर जो है ज़्यादा रखेंगे और कैसा सरकार बनाना चाहेंगे? सर हम तो चाहेंगे कि चिराग पासवान ही हो, चिराग पासवान ही हो, जो सभी लोग का ये है हार्दिक इच्छा है कि चिराग पासवान आए। और क्या है कि सर देख रहे हैं किसी के ऊपर चारा घोटाला है, किसी के प्रति सृजन घोटाला है, किसी के प्रति कुछ है, तो हम विशेष नहीं कहेंगे सर, लेकिन हम चाहेंगे कि एक ऐसे युवा वर्ग आए जो पूरा जो है नवयुवक पर ध्यान दे और उसके रोजी के लिए जो है करे। चिराग पासवान के फॉलोअर्स बहुत हैं युवाओं वर्ग में, उनका युवा वर्ग में जो है एक अच्छा क्रेज़ यहाँ पर, ख़ासतौर से MS कॉलेज के ग्राउंड में जब हम यहाँ के छात्रों से बात कर रहे हैं तो चिराग पासवान को लेकर के बहुत उत्सुकता है लोगों के जहन में और वो युवा चाह रहे हैं कि ये, कई लोग जो है तेजस्वी को भी सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन नीतीश जी से खासे युवा वर्ग खफा नज़र आ रहे हैं। और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों की ये इच्छा है, लोग ये चाह रहे हैं कि ऐसी सरकार हो जो रोज़गार का सृजन करे, रोज़गार मिले युवाओं को और ख़ास तौर से जो एग्ज़ाम लेट होते हैं, सेशन लेट चलते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो वो जो है समय से हो। तो यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के बहुत सारे सेशन, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। अभी राजेश जी आप क्या करते हैं? तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन का। अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की? MA फाइनल है। MA फाइनल किया है आपने, तो ये कहा जाता है कि सेशन बहुत लेट होता है यूनिवर्सिटीज़ का जी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सेशन लेट होती है, वो बोर्ड करने जो है ऊपर से आदेश आता है उस तरह काम करती है, लेकिन गलती तो है, लड़का को ज़िंदगी बर्बाद होता है। एक दूसरा कोर्स 4 साल में फाइन होता है और 3 साल का 4.5 साल में लग जाता है, वो सब सरकार की देन है। सेशन लेट नहीं होना चाहिए, समय पे चाहिए। हाँ, तो ये जो है आप यहाँ से, हम बहुत सारे युवाओं से बात किए तो ये आपको अंदाज़ा लगा होगा कि ये मोतिहारी के युवा वर्ग किस तरह की सोच रखते हैं और बहुत सारे युवा अलग अलग विचार रखते हैं लेकिन सबका मकसद एक है कि समय पे एग्ज़ाम होना चाहिए, समय पे परीक्षा ले लेनी चाहिए और उसके रिज़ल्ट भी समय पे आने चाहिए। तो बिहार के युवाओं में बहुत पोटेंशियलिटी है। जब मैंने यहाँ के छात्रों से बात की जो यहाँ पे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रेलवेज़ वगैरह तमाम वैकेंसियों की तैयारी करते हैं, तो इस ग्राउंड से जो है हज़ारों लोग नौकरी ले चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन छात्रों के लिए किस तरह की सरकार जो है सुविधा मुहैया कराती है। आप समझ सकते हैं कि ज़मीन पर बैठकर ये छात्र तैयारी करते हैं, आप देख सकते हैं कि सारे लोग ग्रुप बना करके सेट बनाते हैं और ज़मीन पर बैठ करके ही तैयारी करते हैं। तो क्या सरकार, हमारी व्यवस्था इस चीज़ को नहीं समझ पाती कि जो युवा पोटेंशियल, जो युवा वर्ग में जो पोटेंशियल है उसका सही इस्तेमाल किया जा सके और इन छात्रों के लिए कुछ ऐसी लाइब्रेरी या कुछ ऐसे स्टडी
स्पॉट जो है बिल्डिंग बनाई जाए जहाँ पे इन लोगों को तमाम सुविधाएं हो ताकि इनको स्टडी करने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तो आज चुनाव चौपाल में एमएस कॉलेज मोतिहारी के क्रीड़ा ग्राउंड से हम मोतिहारी के छात्रों से बात कर रहे थे और इनके अंदर के विचार को जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह की सरकार बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं तो आगामी जो सरकार बनेगी वो किस तरह की सरकार देखना चाहते हैं। चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव की बड़ी कवरेज एसटीवी न्यूज़ पर लगातार जारी है। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।